हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग क्रोशिया बाय संजू। आज मैं आपके लिए सूच बनाकर लाई हूं जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सूच बनाई हूं 1 मंथ से 6 मंथ की बेबी के लिए सूच बनाई हूं। तो बहुत सुंदर लग रही है सूच। देखिए यहां से मैं बनाना स्टार्ट की हूँ। यहाँ से मैं 8 रो बॉर्डर बना ली हूँ, उसके बाद ये डिजाइन डाली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाकर इस तरह से बटन लगा दी हूँ। देखियो आप इसको बहुत आसानी से इस तरह से खोल सकती हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रही है सूज। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सूज बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए सूज किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए 10 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ, और लाइट ब्लू और लाइट पिंक कलर का उनका कलर कॉम्बिनेशन मिलाई हूँ। आप अपने पसंद से उनका कलर कॉम्बिनेशन मिला लें, उसके बाद ये सूज बनाना स्टार्ट करें। देखिए इस सिलाई पर मैं पूरी 37 फंदे डाली हूँ। ये 37 फंदे से मैं स्टार्ट करूँगी। 37 फंदे डालने के बाद मैं फर्स्ट रो पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से पूरी रो में कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से उल्टा सिलाई में पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। एक 2 रो में बना ली हूँ, और 3 रो में अब मैं फंदा बढ़ाना स्टार्ट करूंगी। देखिए 1 फंदा में उल्टा सिलाई बनाऊंगी इस तरह से। देखिए यहाँ से इस तरह सिलाई पे उठाऊंगी और 1 फंदा और बनाऊंगी। देखिए 1 फंदा में 2 फंदा मैं की हूँ, और यहाँ से मैं 17 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी। 1 2 3 4 5 17। ठीक है, 1 फंदा फर्स्ट फंदा में बढ़ाए थे, और 17 फंदे बुनने के बाद मैं देखिए यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाऊंगी। इस तरह सिलाई पे उठाऊंगी और 1 फंदा में 2 फंदा इस तरह से करूंगी। 1 फंदा और उल्टा सिलाई बढ़ाऊंगी, और 1 फंदा में 2 फंदा इस तरह से करूंगी। यहाँ पे मैं 2 फंदा बढ़ाई हूँ, और यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाई हूँ। फिर मैं 17 फंदा बनाऊंगी, और देखिए 1 फंदा में 2 फंदा करूंगी। 1 2 3 4 5 अरे 17। देखिए यहां से मैं इस तरह से उठाऊंगी सिलाई पे, और 1 फंदा में 2 फंदा करूंगी। देखिए इस तरह से, और 1 फंदा उल्टा सिलाई इस तरह से बुन लूंगी। देखिए 2 रो में दोनों तरफ से उल्टा सिलाई बना ली हूँ, और 3 रो में देखिए 4 फंदा बढ़ाई हूँ। 1 फंदा राइट साइड और 1 फंदा लेफ्ट साइड, और बीच में 2 फंदा बढ़ाई हूँ। बीच में दोनों तरफ से 17 फंदे में बुनी हूँ, और ये 2 फंदा में 1 फंदा बढ़ाई हूँ। 4th रो में पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। इस तरह से पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 4 रो में पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं 5 रो में जैसे 3 रो में फंदा बढ़ाई हूँ, उसी तरह 5 रो बढ़ाऊंगी। टू फंदा में उल्टा सिलाई बनाऊंगी, जैसे 3 रो में 1 फंदा उल्टा सिलाई बनाई थी, उसके बाद फंदा बढ़ाई थी। अब मैं 2 फंदा उल्टा सिलाई बनाऊंगी, और 1 फंदा इस तरह से बढ़ाऊंगी यहाँ पे। देखिए 3 फंदा हो गई है। यहाँ से मैं अब 18 फंदा बुनूंगी, उसके बाद मैं फंदा बढ़ाऊंगी बीच में।
18। यहाँ पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी, देखिए यहाँ से इस तरह सिलाई पर लूंगी और इस तरह से उल्टा सिलाई बना लूंगी, वन फंदा बुनूंगी और इस तरह सिलाई पर उठाऊंगी और यहाँ पे वन फंदा इस तरह से बुन लूंगी। देखिए टू फंदा बढ़ गई, फिर मैं 18 फंदा बुनूंगी, उसके बाद यहाँ पे वन फंदा बढ़ाऊंगी, इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए लास्ट में टू फंदा यहाँ बची है, यहाँ पे मैं वन फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से और इसके बाद मैं टू फंदा बुन लूंगी। जैसे मैं राइट साइड की थी, टू फंदा बुनकर वन फंदा बढ़ाई थी, उसी तरह देखिए वन फंदा बढ़ाकर टू फंदा इस तरह से उल्टा सिलाई बुन लूंगी। तो 6 रो में पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स 6 रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। जैसे मैं इसमें बनाई हूँ, ये नीचे की बेस बना रही हूँ, ये बॉर्डर बनी हुई है वो, यहाँ से मैं यहाँ तक मैं पूरी 17 रो बनाई हूँ, ये 17 रो, उसके बाद में ये डिजाइन डाली हूँ। सेम उसी तरह मैं इसमें बनाऊंगी। देखिए 6 रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ और 11 रो और कंप्लीट करूंगी और फ्रंट साइड से हर रो में 4 फंदा बढ़ाते जाऊंगी और बैक साइड से पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट करूंगी। सेम इसी तरह मैं पूरी 17 रो बना लूंगी। देखिए 6 रो बना ली हूँ, 7 रो में सेम उसी तरह बनाऊंगी। देखिए 1, 2, 3 फंदा मैं उल्टा सिलाई इस तरह से बना लूंगी और यहाँ पे 1 फंदा बढ़ा लूंगी। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक मैं 19 फंदा बुनूंगी, उसके बाद 2 फंदा बढ़ा लूंगी, उसके बाद में यहाँ पे मैं 19 फंदा बुनूंगी और उसके बाद 1 फंदा बढ़ाकर 3 फंदा उल्टा सिलाई बुन लूंगी। जैसे मैं राइट साइड बनाई उसी तरह लेफ्ट साइड बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 फंदा हो गई है, जितना रो बनाऊंगी फ्रंट साइड से उतना रो यहाँ पे फंदे बढ़ती जाएगी। सेम इसी तरह मैं पूरी 17 रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड 17 रो मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ से मैं 37 फंदा सा स्टार्ट की थी, यहाँ पे मेरी 65 फंदे बन गई है। हर रो में 4 फंदा बढ़ाते गई थी फ्रंट साइड से, तो मेरी ये 65 फंदे पूरी हो गई है। ये देखिए नीचे के बेस बना रही थी, ये मेरी बेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये डिजाइन बनाऊंगी लाइट पिंक कलर और ब्लू कलर से। यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट करूंगी 18 रो में। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करके मैं गांठ लगा लूंगी। अरे बैक साइड से मैं पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से लाइट पिंक कलर से पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फ्रंट साइड से डिजाइन बनाऊंगी। देखिए 1 फंदा में इस तरह से सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए 3 फंदा एक साथ में इस तरह से एक साथ में सीधी सिलाई बुनूंगी, धागा आगे करूंगी और इस तरह से 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए 3 फंदा मैं इस तरह से छोड़ दूंगी। 3 फंदा से देखिए 3 फंदा बनाई हूँ यहाँ पे मैं, 1 फंदा मैं सीधी सिलाई बुनूंगी और एक साथ में देखिए इस तरह से 3 फंदा यहाँ पे सिलाई डालूंगी और सीधी सिलाई इस तरह से बुनूंगी, धागा आगे करूंगी। देखिए इस तरह से सीधी सिलाई डालूंगी और 1 फंदा और बनाऊंगी, इसे इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। 1 फंदा सीधी सिलाई इस तरह से बुनूंगी और 3 फंदा एक साथ में इस तरह से धागा आगे करूंगी और एक साथ इस तरह से बुन लूंगी। सेम इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी मैं। ये डिजाइन किस तरह से बनती है यूट्यूब में मैं अपने चैनल पे इसकी पैटर्न भी बना के मैं डाल रखी हूँ, वहां से भी जाके देख सकती हैं। सेम इसी तरह मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी।
देखिए लास्ट में थ्री फंदा है, इसे मैं इस तरह से डिजाइन बना लूंगी इस तरह से। देखिए थ्री थ्री फंदा अलग अलग दिख रही है, ये थ्री फंदे की डिजाइन है और टू रो में कंप्लीट होगी। देखिए अब मैं बैक साइड से देखिए ब्लू कलर से बनाऊंगी, इसे मैं पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए थ्री फंदा इसे मैं अलग अलग करके मरून फंदा बुन लूंगी, इसी तरह से पूरी रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से पूरी रो कंप्लीट कर ली हूँ लाइट ब्लू कलर से। अब मैं ब्लू कलर से डिजाइन बनाऊंगी। देखिए लाइट पिंक कलर से बन गई है, अब मैं लाइट ब्लू कलर से डिजाइन बनाऊंगी। टू फंदा मैं सीधा सिलाई बुनूंगी और देखिए ये थ्री फंदा का डिजाइन है, ये फंदा जो देखिए बीच में इसे भी मैं सीधा सिलाई बुनूंगी। थ्री फंदा मैं सीधा सिलाई बुनूंगी, देखिए थ्री फंदा से डिजाइन बनाऊंगी एक साथ है थ्री फंदा, इस तरह से लूंगी आगे आगे करूंगी इस तरह से सीधा सिलाई बुन लूंगी। वन फंदा सीधा सिलाई बुनूंगी और थ्री फंदा से देखिए इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी एक साथ में इस तरह सिलाई डालूंगी और सीधी सिलाई बुनूंगी, धागा आगे करूंगी यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूंगी इस तरह से कि जैसे मैं इसमें बनाई हूँ। देखिए टू रो में लाइट ब्लू कलर से बनाई हूँ और टू रो में लाइट पिंक कलर से बनाई हूँ, फोर रो में डिजाइन बनाई हूँ सेम उसी तरह मैं इसमें फोर रो डिजाइन बना लूंगी। देखिए वन रो लाइट पिंक कलर से बन गई है, वन रो लाइट ब्लू कलर से बना लूंगी, इसी तरह से फोर रो डिजाइन कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स फोर रो में डिजाइन कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है जैसे मैं इसमें बनाई हूँ। देखिए ये पूरी बेस कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से देखिए किस तरह से बनाती हूँ, यहाँ से मैं 18 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी, 1 2 3 4 16 17 18। देखिए 18 फंदा मैं इस सिलाई पर बुन ली हूँ और 18 फंदा मैं इस साइड रखूंगी, बीच में बाकी फंदे जो बची हुई है उसे मैं देखिए इस तरह से टू फंदा का एक फंदा बनाऊंगी इस तरह से घटा लूंगी। देखिए इस तरह से इस तरह से मैं घटा ली हूँ। अब बाकी 18 फंदा इसे मैं उल्टा सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स पूरी रो कंप्लीट कर ली हूँ मैं। देखिए राइट साइड में 18 फंदा रखी हूँ और लेफ्ट साइड भी 18 फंदा रखी हूँ और बीच में बाकी जो फंदे बचे इसको मैं टू फंदा का एक फंदा करते हुए देखिए इस तरह से बना ली हूँ। बैक साइड से पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट करूंगी। अब मैं केवल पिंक कलर से बनाऊंगी, ये लाइट ब्लू कलर का धागा इसको मैं काट के साइड कर लूंगी। मैं पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से पूरी रो कंप्लीट कर ली हूं मैं। अब मैं देखिए ये जो बेस बनाई हूँ ऊपर की ए वाली बेस बनाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैं 12 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदा मैं उल्टा सिलाई बुन ली हूँ इस सिलाई पे और 12 फंदा मैं इस साइड रखूंगी, राइट साइड में 12 फंदा रखूंगी और लेफ्ट साइड 12 फंदा रखूंगी और बीच में बाकी जो फंदे इसको मैं घटा लूंगी।
इसके यहाँ से मैं घटाना स्टार्ट करूँगी। 1 2 फंदा मैं उल्टा सिलाई बुनूंगी और देखिए 1 फंदा इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। 1 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी और ए फंदा इसको मैं इस तरह से छोड़ दूंगी। 1 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी और ए फंदा इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। इसी तरह से मैं पूरी फंदा यहाँ तक घटा लूंगी और 12 फंदा इस साइड में छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फंदे घटा ली हूँ। इस सिलाई पर 12 फंदा छोड़ी हूँ और इस सिलाई पर भी 12 फंदा छोड़ी हूँ और बीच में इस तरह से देखिए फंदे घटा ली हूँ। ये इस तरह से आएगी, यहाँ से इस तरह से सिलाई कर दूंगी। एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए ये जो मैं सूच बनाई हूँ ये लेफ्ट की है और ये मैं बना रही हूँ ये राइट पैर की है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ ध्यान देनी होगी कि देखिए ये बटन जो है इस तरह से आएगी और जो ए बनाऊंगी इसको ये जो बेस बनाई हूँ ये साइड बनाऊंगी ताकि इस तरह से मुड़ के आएगी और ये इस तरह से मुड़ के जाएगी। इसे मैं देखिए लेफ्ट साइड में ये वाली बेस बनाऊंगी, इसे ए में बनाई हूँ ये वाली, यहाँ तक मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लूंगी। आपको जितनी हाइट रखनी है उसके हिसाब से बॉर्डर बना लें। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी बॉर्डर बनाने के लिए। ये पूरी उल्टी सिलाई की बॉर्डर है, दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बनेगी कि इस तरह से। पहले मैं लेफ्ट साइड कंप्लीट करूंगी उसके बाद मैं राइट साइड कंप्लीट करूंगी। इस तरह से दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बनाती हुई चली जानी, जितनी हाइट आपको रखनी है उसके हिसाब से बॉर्डर बना लें। सेम इसी तरह से मैं पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मैं पूरी बेस कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ से मैं यहाँ तक 22 रो बनाई हूँ दोनों तरफ से उल्टा सिलाई। आपको ये ऊपर की बेस की जितनी हाइट रखनी है उसके हिसाब से बॉर्डर बना लें। मैं यहाँ से मैं पूरी फंदे घटा लूंगी। इस तरह से मैं फंदे घटाऊंगी, 2 फंदा बुनूंगी और 1 फंदा मैं इसके ऊपर से इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से मैं फंदे पूरी घटा लूंगी, ये 12 फंदा मैं पूरी घटा लूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं फंदे घटा ली हूँ। अब मैं ए साइड में बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन ज्वाइन करूंगी, इस तरह से ज्वाइन करके मैं गांठ लगा लूंगी और यहाँ पे मैं फंदे बढ़ाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं, देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाऊंगी। 1 2 3 4 देखिए इस तरह से फंदे बढ़ा रही हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरी 20 फंदे और बढ़ा लूंगी। 12 फंदे हैं और 20 फंदे और बढ़ा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 20 फंदे इस तरह से बढ़ा ली हूँ। अब मैं पूरी रो उल्टा सिलाई बना लूंगी। जैसे मैं इसमें बॉर्डर बनाई हूँ 22 रो, उसी तरह इसमें 22 रो दोनों तरफ से उल्टा सिलाई की बॉर्डर बना लूंगी। यहाँ से मैं पूरी रो उल्टा सिलाई कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स 22 रो में बॉर्डर कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सारे फंदे घटा लूंगी, घटाने के बाद मैं सेट से सिलाई कर दूंगी। मैं सारे फंदे घटा लूंगी, देखिए इस तरह से। जैसे मैं, देखिए फ्रेंड्स ये सारे फंदे मैं इस तरह से घटा दी हूँ कि दोनों तरफ से इस तरह से बॉर्डर बना ली हूँ। ये ऊपर की बेस कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस तरह से फोल्ड कर बैक साइड से यहाँ से मैं सिलाई कर लूंगी इस तरह से, उसके बाद यहाँ से इस तरह सिलाई कर लूंगी। ये सूच कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं बटन लगा दूंगी यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट करूंगी, यहाँ से इस तरह से सिलाई करूंगी। देखिए फ्रेंड्स पूरी मैं सिलाई कर ली हूँ। अब मैं इसको इस तरह से फ्रंट साइड से पलट लूंगी इस तरह से।
देखिए सूज पूरी कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ पे इस तरह से जाएगी। यहाँ पे मैं बटन लगा लूँगी। देखिए सूजे इस तरह से आएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं बटन लगा दी हूँ। ये सूज पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए देखिए फ्रेंड्स ये सूज पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत सुंदर लग रही है सूज। फ्रेंड्स ये सूज की डिजाइन बहुत ही ईजी है। आप इसको जरूर बनाएं, ट्राई करें घर में बनाने के लिए। और बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।